टाइम देख सकते हो यार, 10:53 और आज है 13 जून। सो हेलो भाई, नमस्ते गाइज, दिस इज मी शुभम सनराइज एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के दिन की शुरुआत हो चुका है। आप लोगों ने देखा अभी अभी का सीन्स कैसा है, बाहर का माहौल, मानसून स्टार्ट हो चुका है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। बारिश की मजे में टिप टिप बरसा पानी बैकग्राउंड में चल रहा हुआ गाना। सो गाइज, मानसून स्टार्ट भी हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है बारिश का महीना। बारिश का महीना अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं क्या बताऊं यार, आज मैं इतना बोरिंग हो गया हूं। आप देख सकते हो 11 बजे आज उठा हूं मैं, अब भी जस्ट हाफ एन आवर हुआ है। 10:30 को उठ के फ्रेश होके नहा वहा धो के अभी जस्ट रेडी हुआ हूं। और आप देख सकते हो अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और ब्लॉग अपलोड कर रहा हूं। यही है आज के दिन की शुरुआत करते हैं गाइज, पूरा बिखरा पड़ा है, सो सो के पूरा दिन आ जाएगा। टायर्डनेस लग रहा है यार, तभी मैं ब्लॉगिंग करूंगा, आप लोगों के लिए करूंगा। अभी चलते हैं, क्या चल रहा है, माहौल कैसा है। बारिश के टाइम में तो पकौड़ा खाने को बहुत दिल किया था भाई, मैंने बोला था भी सुबह, लेकिन आज बना दिया डोसा। क्या कर सकते हैं, सारा हर रोज साउथ इंडियन खाना। लेकिन जाने से पहले एक चीज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ मैं, आप लोगों का कमेंट आज डिस्कस करेंगे। आप लोग जो कमेंट करते हो तो उसके बारे में आज मैं आपस में बात कर, आपस मतलब आपसे मैं बात करूंगा, मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो कमेंट सेक्शन आप बताते रहते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तुम उड़िया में बात नहीं कर सकता क्या, तुम उड़िया में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, तुम्हें ओडिया नहीं आता, तुम्हें ओडिया नहीं आता है क्या, हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाते हो, ओडिया लैंग्वेज में क्यों ब्लॉग नहीं बनाते। आज इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आप लोगों के लिए, जो कमेंट सेक्शन में बताते रहते हो कि आप ओडिशा से बिलोंग करते हो, ओडिया लैंग्वेज आता है आपको। हाँ, मोते ओडिया आईसी, संबलपुरी भी आईसी, सबुकिछ आईसी, बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, फ्रॉम खरियार यार। तो हिंदी में ब्लॉग बनाने का रीजन यही है कि एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर चीज बताता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनना। आप लोग कहाँ बिलोंग, जैसे कि हम लोग ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ओडिशा के हर लोगों को हिंदी समझ में आता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। मैं ओडिया में इसलिए ब्लॉग नहीं बनाता कि मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 6 साल बाहर जॉब कर चुका हूँ और मैं 5 साल बाहर पढ़ाई कर चुका हूँ, तो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं तो सारे ओडिशा के बाहर हैं, और ओडिशा में जो मेरे फ्रेंड हैं उनको हिंदी आता है। ओडिशा के बाहर जो मेरे फ्रेंड हैं वो लोग ओडिया समझ में नहीं आता, तो ओडिया लैंग्वेज समझ नहीं पाते, तो वो लोग भी मुझे सजेस्ट करते रहते हैं। मैं लोगों को बता दूं, चाहे हिंदी हो ओडिया हो, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया है, तो लैंग्वेज को गोली मारो, लैंग्वेज को जाओ मत, फीलिंग्स को समझो, वीडियो देखो, ब्लॉग एंजॉय करो। और मैं ओडिशा संबलपुरी में भी ब्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए कभी कभार, ठीक है, तो टेंशन मत लेने का यार। लाइक मैं समराइज यर शो, डोंट फियर, डोंट वरी, ओडिया में भी ब्लॉग आएगा, संबलपुरी में भी आएगा, हिंदी में आएगा, और कुछ दिन के बाद नीचे सबटाइटल भी डालने वाला हूँ यहीं पे ऐसे, ठीक है। तो फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, प्लेट उठाते हैं लेके मम्मी को दे देते हैं। हे ऑल, गुड मॉर्निंग, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, किसी ने लेके नहीं आया, सो यहाँ पे रख दिया है मैंने। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्री, आज मुझे ब्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा है, सोने का मन कर रहा है बस, बारिश का महीना कर रहा है, सुबह से बोल रहा हूँ पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ा, ओह मैंने सही में ब्लॉग में जस्ट अभी बोल रहा था पकौड़ी बनाने के लिए, और क्या बात है, पकौड़ी तो बहुत दिन जिएगा भाई, दिखा दो एक बार कि सच में मम्मा ने पकौड़ी ही बना दिया, अभी जस्ट मैं जिक्र कर रहा था, क्या बताऊं यार, यही है जिंदगी भाई। भाई बारिश, हमारा टीवी का सीरियल में भी बारिश हो रहा है और इधर भी बारिश हो रहा है, क्या बताऊं, और आज मॉनसून स्टार्ट हो गया भाई, बारिश ही बारिश है, बारिश का देख सकते हो यार, बारिश अभी तक रुका नहीं कंटिन्यूअसली, मतलब सुबह कितने 6 बजे से बारिश हो रहा है, उस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ का, ठीक है भाई, माहौल कैसा है, चलिए देखते हैं। और इधर दादूज बाइक्स स्प्लेंडर और मेरा सनी खड़ा है, और इधर पापाज का बाइक है, और ये मेरा सनी, सनी पूरा साफ हो चुका है। अरे भाई इधर एक कीड़े वीड़े मेले घुस गए, साफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाला हो चुका है भाई, मकड़ी जाला, क्या है यार। सनी तो ठीक है, लेकिन मौसम कैसे कर रहा है कि घर से निकलने भी मुश्किल हो रहा है भाई, पानी वानी पूरा भर चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको कि आज तो जितने भी पौधे हैं हमारे जो बाउंड्रीज में है उसको पानी देने की ज़रूरत है नहीं, पानी पूरा भर चुका है, ये पूरा फूल है, और ये बड़ा होने से बहुत अच्छा लगेगा ये पेड़। माँ बारिश का मौसम आ चुका है, मानसून स्टार्ट हो गया है, तो क्या स्पेशल कुछ खाने का डिश अच्छा अच्छा बनाइए जो कि अच्छा लगेगा, और ऐसे बारिश के टाइम पे स्कूल बंक करना कितना अच्छा लगता था ना। श्री तुम्हारे टाइम पे स्कूल, श्री नहीं जाते थे, मम्मा तुम्हारे टाइम पे, हम जाते थे, ओ बारिश के टाइम पे भी, ओहो क्या बात है, मम्मा भीग भी
वो गाना याद आ गया, छतरी ना खोल फिर क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। मैं तो बहुत बंक मारता था भाई स्कूल, बारिश का मौसम में कौन जाने का मन कर रहा था, मन करेगा तुम भी झूठी लोग हैं, तुम भी झूठी लोग कॉलेज पानी पूरा फरी जीवा जे मामा जी। मैं ये शोर बोल रहा था कि अगर टाइम मिलेगा तो नाव चलाएंगे हमारे वो तालाब में, नाव बनाएंगे। नाव बनाना आता है ना आपको? श्री तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता है तो नाव चलाएंगे अगर टाइम मिलता है, अगर बारिश थोड़ा रुकता है तो नाव बनाएंगे चलाएंगे गाइस। ओके सो हे गाइस, अभी टाइम हो रखा है 2 बज चुका है, लंच कम्प्लीट हो चुका है मेरा। और क्या कर रहे हैं श्री, मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो अभी फोटोज देख रहे हैं सारी, श्री यहाँ पे वेडिंग रिसेप्शन का फोटोज़ देख रहे हैं, फैमिलीज फोटोज़ कपल्स सारा आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी, जो कि मैंने डाल चुका हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट पेपर है मेरे पास, मानसून का टाइम भी आ चुका है, बारिश भी हो रखा है, तालाब हमारा फुल हो गया है पानी में। तो कुछ आज बच्चा पार्टी लोगों का हम मस्ती करेंगे, आज हम चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करेंगे। और पेपर से क्या बना रहा हूँ मैं आप लोग वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस नाव बना रहा हूँ मैं, सो लेट्स स्टार्ट। मानसून का सीजन चल रहा है अभी, ये मैं खुद बचपन में बनाता था, तो लेट्स सी बना पाता हूँ या नहीं बना पाता। तो हम पेपर को पहले फोल्ड कर देंगे, ऐसे कुछ फोल्ड कर दिया है मैंने, और बीच में से और एक बार हम फोल्ड करेंगे। अगर गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके ये फोल्ड कर चुका हूँ मैं, फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से कट करेंगे, जो लाइनिंग है पूरा लाइन बाय लाइन करना है। यहाँ से कट किया मैंने, देन इसको ऊपर से कर दिया है, अब इस तरह से कुछ हुआ है। ओके जो नीचे का जो पेपर है ये देख सकते हो आप, 2 हिस्सों में है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे पूरा, फिर ऐसे उल्टा के पीछे की तरफ भी हम उसका बंद कर देंगे, जो आप ऐसे करके कुछ। ओके फिर क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम अंदर ऐसे लगा के इसको क्लोज करो, तो इसको भी मैंने ऐसे कर दिया ताकि बंद हो जाए, भी ऐसे कर दो। बहुत दिन हो गया भाई नाव बनाते बनाते, अब इसको हम यहाँ से होल निकाल के ऐसे किया आप लोगों ने, फिर उसके बाद इसको ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से कुछ ऐसे इस तरह से, और इसको आप खोल सकते हो भाई। और ये मेरा नाव तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो 2 नाव तैयार हो चुका है मेरा, ये पहला वाला और ये सेकंड वाला गाइस, जो कि एक श्री का नाव है और एक मेरा नाव है। श्री सी श्री अभी वो फोटोज देख रहे हैं, ये देखो मैंने नाव बनाया है, कैसा हुआ है एक बार देख तो लो। अच्छा चलेंगे शाम में, उसको छोड़ेंगे पानी के अंदर तालाब, ठीक है। नॉर्मल नाव जो कि आप देख सकते हो, लेकिन हम इसको चाबी वाला नाव बनाएंगे। की नाव कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ। ये तो आपके पहला फोल्ड में ये पहला नाव हो जाएगा कुछ इस टाइप का, लेकिन हम सेकंड वाले क्या करेंगे, पहले फिर से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर नीचे से और एक बार फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से यहाँ पे आपने ऐसे क्लोज किया, और इसको यहाँ से आपने ओपन करना है, जो कि ये छोटा पेपर में किया था इसलिए छोटा आ रहा है गाइस, तो आप बड़ा पेपर में बना सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, आप देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जो की वाला नाव कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का 2 हिस्सों में आएगा छेद, ठीक है। तो आपको पहले एक ऐसे स्मॉल पेपर लेना है, जो कि 2 हिस्सों में इसको काट देना है गाइस, 2 हिस्सों में काट दिया, फिर आपको इसको फोल्ड करना है, ताकि आपको एक स्टिक बनाना है, पेपर का स्टिक बनाएंगे जो कि चाबी होगा इसका नाव का। तो इस तरह से हम कुछ बनाएंगे, और बीच में यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको। ओके कुछ इस तरह का। सो गाइस ये जो आपका हो गया है, यहाँ पे आपको पकड़ना, ये की वाला नाव है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे छोड़ोगे तो ये की वाला नाव होगा। ओके तो आप बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हो। ये जैसे आपका खाली नाव है गाइस, ये की वाला नाव, चाबी वाला नाव, ये हमारा चाबी है, ऐसे हमने चाबी पकड़ा, इसको ऐसे छोड़ा जाएगा ये। ओके तो बच्चे लोग
सो गाइस श्री को मैंने दिया, श्री अभी हमारा नेवी का कप्तान बन चुका है। श्री चलाओ, चला के देखो। ओ अभी श्री चला के देख रहे हैं। श्री ने तोड़ दिया मेरा नाव यार। ये क्या भाई, ऐसे नहीं चलाते हैं। यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ऐसे चलाओ। ये मेरा चाबी वाला नाव गाइस। सो गाइस बारिश के मौसम में मूवीज देख रहे हैं। मूवी कौन सा मूवी देख रहे हो? अरे भाई बैटरी लो हो गया, अब कौन लगाने जाएगा? चार्जर उधर पड़ा है, है? श्री तुम जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। गाइस श्री मना कर रहे हैं, देखो बैटरी लो हो गया है, जाओ जाओ ना। तो पकड़ो, मैं चार्जर लगा के आता हूँ। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो ये रहा चार्जर। तो भाई मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, ये रहा चार्जर। भाई उसका साउंड को कम कर दो, मेरी आवाज सुनाई नहीं देगा। तो भाई ये चार्जर देख सकते हो, ये मैं सो हे गाइस, अभी आप देख सकते हो यार कितना अभी सो के उठा हूँ मैं। 5 बजे लेकिन क्लाइमेट गजब का कर रखा है। आप देख सकते हो पूरा बारिश होने का पूरा चांस है भाई, और उधर पूरा मेघ आ चुका है। और इधर ये मार्केट गया था और मार्केट से आ चुका है, और कितना बड़ा मेघ है भाई, और आज पूरा बारिश होने वाला है। और गया था, अरे भाई लाइट खतरनाक दिख रहा है यार, इसमें वीडियो में अजीब दिख रहा है। हैं देख देख, बारिश स्टार्ट हो चुका है, सो जल्दी आ जाओ। और मेघ पूरा खतरनाक लिया। सो गाइस आप देख सकते हो बारिश की बूंदों का मजा लेते हुए। एक्चुअली वो नाव बनाया था श्री, वो जो चाबी वाला नाव मेरा और एक सिंपल वाला नाव, ये तालाब है हमारा, हम लोग छोड़ने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कल करेंगे, कल छोड़ेंगे। तो गाइस मम्मा अभी शाम का आरती दे रहे थे, जस्ट अभी दी, और देख सकते हो शाम का आरती वो डेली देते हैं, जय गायत्री माता। सो गाइस लंच सॉरी डिनर कंप्लीट हो गया है और महाभारत चल रहा है, और ये अर्जुन है देख सकते हो आप, अर्जुन। सो गाइस अभी टाइम 10 बज चुका है, डिनर कंप्लीट हो चुका है मेरा, और श्री वीडियो कर रहे हैं। श्री डिनर आज मैंने बनाया था, कैसा बना था? सब्जी मैंने बनाया था, मैंने बनाया था। अच्छा तुमने बनाया था, चलो कोई बात नहीं, जो दोनों में से कोई भी बना ले सेम ही है यार। चलो उसको छोड़ देते हैं, डिनर कंप्लीट हो चुका है, दूध अभी पीऊंगा थोड़ी देर बाद। और अभी मैं बुक्स पढ़ रहा था यार, एक्चुअली श्री का बुक्स है, कभी कभार मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ने की उम्र मतलब लाइफ टाइम है गाइस, सो पढ़ना चाहिए, आपको माइंड भी अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट भी बनोगे। ओके सो सेकंड चीज, जो चैनल बने हैं सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल न्यू लाइफ न्यू स्टोरी न्यू जर्नी के साथ, शुभम सनराइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सनराइज इज योर शो, डोंट फियर गाइस, बाय बाय। ओके सो हर रोज की नोटिस ऑफ मैं ही करता हूँ, तो अभी बुक्स को रख देते हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, लाइट्स बंद करता हूँ गाइस। ओके 1 2 3